लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दूसरी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के साथ राजस्थान में कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा। अब रिजल्ट आने के बाद और 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी के बीच आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और वो लोकसभा चुनाव से पहले आरएलपी से कांग्रेस में गए और सांसद चुने गए उम्मीदवार बेनीवाल पर भी अक्सर तंज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। अब उम्मेदराम बेनीवाल ने पहली बार हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उम्मेदराम ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि हनुमान बेनीवाल जो कुछ कहें कह सकते हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। जब तक हनुमान बेनीवाल के साथ रहा अच्छे तरीके से रहा और अब कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं वो उनके राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध खराब नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ते खराब नहीं है। उम्मेदराम बेनीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में उनकी मुलाकात हनुमान बेनीवाल से अक्सर होती रहती है। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल ने उम्मेदराम बेनीवाल को खरी खरी सुनाई थी। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि उम्मेदराम बेनीवाल चाहते तो मेरी पार्टी के सिंबल पर भी कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो पार्टी ही छोड़ दी। जिस उम्मेदराम को राजनीति सिखाई थी वही आज अपने फायदे के लिए छोड़कर दुश्मनों की गोद में बैठ गया है। जब उम्मेदवार से पूछा गया कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है, आपकी क्या तैयारी है, इस सवाल के जवाब में उम्मेदवार बेनीवाल ने कहा कि काफी मुद्दे हैं, चाहे जैसलमेर भाबर रेल परियोजना, इंडस्ट्रीज को मजबूती प्रदान करना, बकासर में सुख बंदरगाह, बाड़मेर का एयरपोर्ट और स्थानीय लोगों को कंपनियों में रोजगार मिले। इसके अलावा वेस्टर्न कैनाल योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाड़मेर आकर काम चलने की बात कह चुके हैं। हालांकि इन लोगों ने लोगों को निराश करने का काम किया है। जनता से जुड़ा हर मुद्दे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूंगा। वही भजनलाल सरकार के पहले बजट पर उम्मेदवार बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार केंद्र से चल रही है, ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार चला रहे हैं, ऐसे में उनको अलग अलग इलाकों की समस्या की जानकारी नहीं है। बेनीवाल ने भजनलाल सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बार का बजट कोई खास बजट नहीं रहा। बजट में जो पूर्ववर्ती घोषणाएं थी वही रिपीट हुई है, छोटी मोटी नई घोषणाएं हुई हैं, बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।